ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारिआं दा। इस चैनल ते साडी हमेशा कोशिश रहेगी कि जिहड़े स्टडी अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स ने उहनां दे वख-वख मुद्दे ने उहनां लई एक्सपर्ट्स नाल गल करिए ते कोशिश रहे कि स्टूडेंट्स दे जिहड़े सवाल ने उह एक्सपर्ट्स तक पहुंचन ते सिंपल तरीके नाल स्टूडेंट्स तक जवाब पहुंचन। सो तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करो ते नाल ही कमेंट्स दे विच टॉपिक जरूर दसदे रहो कि किहड़े टॉपिक ते तुसीं चाहुंदे हो कि शो बनाए जा। सो अज गल करांगे क्यूबैक दे स्टूडेंट्स दी, जिहड़े कि एक बड़े ही निराशा वाले दौर चों गुजर रहे ने ते हुण 19 तरीक नूं एक प्रोटेस्ट करन जा रहे ने। उह प्रोटेस्ट किहो जिहा होवेगा, एज एन एक्सपर्ट की सोचदे ने, एक्सपर्ट्स की की राय है प्रोटेस्ट बारे, की होना चाहिए है, तो उसका इफेक्ट की हो सकता है। साढ़े नाल मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। अमरजीत जी स्वागत। थैंक यू दीपक जी, और प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्री अकाल। अमरजीत जी, जिहड़ा क्यूबैक का मसला है, तुसीं भी पिछले कई सालों तो क्यूबैक में बहुत प्रमोट किया, कई पॉजिटिव गल्लां भी सी, हुण किते ना किते फस गया क्यूबैक, या स्टूडेंट फसया होया महसूस कर रहे ने क्यूबैक च अपलाई करके, ते ये सारी गल सारे स्टूडेंट्स नूं पता। आपां फोकस रखदे आं प्रोटेस्ट ते, ये जिहड़ा प्रोटेस्ट होण लग्या, तुसीं एज एन एक्सपर्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये प्रोटेस्ट नूं किवें देखदे हो, क्योंकि थोड़ी भी किते ना किते ऑफिशियल कम्यूनीकेशन हुंदी रहिंदी है, तुसीं एंबेसियां दी नेचर समझदे हो, वीजा ऑफिसर दा एटीट्यूड समझदे हो, ये प्रोटेस्ट दा की असर होऊगा, किद्दां दा ये प्रोटेस्ट थोड़े हिसाब नाल होना चाहिए, कुछ गाइडेंस दे वर्ड्स भी दसो। ओके जरूर दीपक जी, पहला तो मैं कहूँगा कि जिहड़ा क्यूबैक है, क्यूबैक इटसेल्फ कोई माड़ा नहीं है। जिहड़े रिजल्ट रुके, जिहड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, जिहड़े वो मेजरली जिहड़ा स्टूडेंट है वो सिर्फ उन्हां 10 कॉलेजों नूं लैके आ जिन्हां दे विच बैन होया सी, फिर वो बैन 31 मार्च नूं हटिया। 31 मार्च तो जदों बैन हटिया फिर ईस्टर होलीडे भी आए, उहदे विच फिर कुछ कॉलेजों के रिजल्ट भी आए, गिणे चुने आए, आपां उंगलां ते गिण सकदे हां, बहुत ज़्यादा नहीं आए। उस तो बाद रिजल्ट देखण नूं नहीं मिले, वह जदों बाद भी रिजल्ट देखण नूं नहीं मिले तो बच्चों के उत्ते एक साइकोलॉजिकली प्रैशर बहुत हाई हो गया, क्योंकि पहला तो वह सोच के वेट कर रहे थे कि 31 मार्च तक का बैन है तो इट्स फाइन, हट जूगा, उस तो बाद रिजल्ट आ जाएंगे। फिर 31 मार्च तो बाद थोड़े जे रिजल्ट आए, फिर नहीं आए, तो वो एक वरी का कारण बन गया बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए। कितने ना कि सानू भी उस चीज़ की वरीड है, कॉलेजेस भी वरीड ने, बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, उन्होंने मीटिंग्स भी करते हैं, आई एम श्योर कॉलेजेस नाल कई बच्चों की डायरैक्ट गलबात हुई होगी, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स है कल उन्होंने भी गलबात जी सी कैनेडा कॉलेज के डायरैक्टर ना तकरीबन उन्होंने एक घंटा मीटिंग चली। सो यह जो बच्चे अपने लैवल से जो एफर्ट्स कर रहे हैं, एक तो यह बहुत वधिया चीज़ है कि साडे स्टूडेंट्स हुण इस मैच्योरिटी लैवल वल जा रहे हैं, दैट इज़ ऑलसो गुड साइन। बट पुछना चाहुंदा कि स्टूडेंट नूं प्रोटेस्ट तक पहुंचना पे, कि ना कि लगता नहीं कि कैनेडियन एंबेसी का प्रोएक्टिव एटीट्यूड थोड़ा जा घट सी? बिल्कुल, इतने देखो नॉर्मली कैनेडा का जो रिएक्शन पहला रहा स्टूडेंट्स लिए बहुत शानदार सी, कोविड के उन्होंने कई वैबीनार्स किए, बहुत अवेयर करने की कोशिश करते रहे लगातार स्टूडेंट्स को। बट हूँ आ इतने असी भी फील करता, मैं परसनली बहुत ज़्यादा फील करता कि कैनेडा इतने एक स्ट्रोंग स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए सी। अज तकरीबन 15 दिन हो चले हैं और अजे तक कैनेडा वालों कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस बैन के हटन तो बाद नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए कि उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं या उन्होंने रिजल्ट देंगे या रिजल्ट डिले कर रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट को कहना की चाहते हैं, वो स्टूडेंट की करे जिहड़ा अंदर फाइल ला चुका, जिहड़ा पैसा ब्लॉक कर चुका है, क्योंकि दोस्तों उसका रास्ता की है जी। दोस्तों तुम सारे ने सुनिया होना, अमरजीत जी भी हर बार कहते हैं जो वीजा प्रोसैस डिफाइन करते हैं कि प्रोसैस ए है कि उन्होंने एक मोटिव है कि फेयर हो, बहुत ज्यादा फेयर हो, रिजैक्शन वेले बड़ा ध्यान रखा जाता है, केस नोट्स बड़ा ध्यान रखा जाता है, कि जो किसी ने रिजैक्ट भी किया तो बहुत फेयर तरीके सारा प्रोसैस हो, उस तरीके नाल मैं कह सकता कि ना कि तुसी सारे भी एक्सपैक्ट कर रहे होंगे कैनेडा तो कि प्रोएक्टिवली दसे, क्योंकि कसूर जो है तो हो सकता कॉलेजेस का हो, कैनेडा भी पता कि स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। बिल्कुल, स्टूडेंट तो विक्टिम है, स्टूडेंट की कोई गलती है ही नहीं, स्टूडेंट का विक्टिम है, वो तो ना चाहते हुए है, दर्द भोग रहा है, पर उन्होंने हाल उवें नहीं पूछा गया। हाँ, उन्होंने जिदा सरकार उधर दी पूछना चाहिए सीगा, जिन्हों के सिर ते इकोनमी इन्हां दी बेस्ड है, जिथे कैनेडा बार बार कहता रहा अपनी स्टेटमेंट च कि साडे लिए 30 बिलियन डॉलर की इकोनमी है, असं ये बहुत बॉदर्ड, तो इतने भी एज ए ह्यूमन ग्राउंड से स्टूडेंट्स लिए उन्होंने अवेयर होना चाहिए सी। उस तो बाद हुण जिहड़े कैनेडा बच्चे प्रोटेस्ट करन जा रहे हैं, तो उहदे विच मैं थोड़ी जी एडवाइस उन्होंने जरूर देनी चाहूँगा। मैं कल एक शो भी बना के दस्या सी कि जिहड़ी तुहाडी लैटर है उहनूं अपने डेस्परेशन के तरीके नाल ना लिखियो, उहदे च आ ना कि कहो कि असीं बहुत कर्जे थले हाँ, लोन थले हाँ,
दैट मीनस कि तुम फाइनैशियली स्टेबल नहीं गए और बहर कि पढ़न जाना अफोर्ड कर रहे हो तो वह तो चीज़ नैगेटिव हो जूगी। आ चीज़ तो आप कभी भी नहीं भूलनी, फाइनैशियल स्टेबल अपने आप में रखना जरूरी है। लैटर के जो पॉइंट्स हाईलाइट करने की लड़ है मेजरली उन्होंने है कि जी साइकोलॉजिकल प्रैशर चुकी और परिवार निकल रहे हैं इस दौरान और जोड़ा फाइनांस है वह भी एक जगह ब्लॉक्ड है और फ्यूचर वो पिछले अनसर्टन है। यह जड़िया दो चार चीज़ा ने इन्होंने प्रॉपरली और टाइम जो करियर लैके वेस्ट हो रहा डार्क हो रहा वो यह जे चार पाँच पॉइंट्स ने मैं उस शो च भी अपने चैनल पर दसे से उन्होंने उत्ते फोकस करो, अपने करियर के उत्ते मेजर फोकस करो, अपने परिवार की परेशानी के उपर फोकस करो, अपना जो फाइनैशियल लॉस रिस्क है अगर कोई कॉलेजों के प्रॉब्लम है तो यह मतलब पैसा रिस्क है और सरकार तो नहीं दस रही तो वो भी फोकस करो। बट आ नहीं कहो कि मेरे को पैसे बहुत घट से मैं तो पसा लोन लैके जुड़े से और मैं पढ़न जाना और मैं फस गया, वो चीज़ नहीं कहनी है। यहाँ मतलब कि तुम फाइनैशियली वीक हो तो नैगेटिव जा सकती है, हर कई स्टूडेंट के नैगेटिव जा सकती है। सो वो कभी नहीं इदा की भाषा नहीं वरतनी। फिर अपने तुम होर इंपॉर्टेंट चीज़ा ने तो मैडिकल एक्सपायर हो रहे हैं वो दस सकते हो, तो आईलेट्स के जो एग्जाम दिते ने एक्सपायर हो रहे हैं उन्होंने बारे दस सकते हो। तुम अपने गैप वधन के करके होर कि भी एडमिशन लैन और अपने करियर प्रोसीड करने लिए स्टक हो चुके हो, तुम इन चीज़ा आ जो पॉइंट्स ने इन्होंने उत्ते मेजरली अपनी गलबात रखना है। प्रोटेस्ट में बहुत ऑर्गनाइज और आराम नाल रखना है, गवर्नमेंट दियां लोकल गवर्नमेंट दियां भी गाइडलाइनस नूं फॉलो करके चलना है और जिन्ना पीसफुल और एजुकेटेड तरीके नाल करोगे उन्ना स्ट्रोंग रहूगा। और पहला भी जिहड़ा प्रोटेस्ट होया उहदे उत्ते मैं दस दिंदा कि कई कॉलेजां ने भी उहनूं हाई कमिशन तक पहुँचाया अपनियां लैटरस लिख के, क्योंकि कॉलेजेस भी इक्वली गवर्नमेंट नूं प्रैशराइज करन ते लगे हुए आ। सो उन्होंने कईयां ने ईवन लैटरस दे विच मैंशन करके उन्होंने हाई कमिशन नूं दस्सिया कि नॉर्थ इंडिया च जिहड़ा साडा स्टूडेंट आ उह इस तरीके नाल प्रोटेस्ट कर रहा और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कि नहीं। और उहदे विच आ भी दस्सो कि जिहड़ी ऑनलाइन पढ़ाई है कल्ली उह कैनेडा एजुकेशन नहीं हो सकती। कैनेडा एजुकेशन की जो आप गल करते हैं इन्ना वड्डा वो कंट्री का लैवल है कि आप जो आप किसी भी कंट्री एजुकेशन लेने जाने तो आप सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होंगी वो एजुकेशन, वो एक ग्लोबल एक्सपोजर होंगे, वो दुनिया को दूजे पास्यों जानने का एक मौका होंगे, वो सारा उस एजुकेशन का ही पार्ट होंगे, ता ही स्टडी अब्रॉड की जाती है, नहीं तो स्टडी लोकल भी किया जा सकता है। और अब्रॉड इसलिए करते हैं कि वो एक्सपोजर जोड़ा है लिंकअप है बहुत चीज़ा जीडिया डिवेलप होंगे ने साड़िया वो सारिया लिमिटेड हो जाएं ने जो आप सिर्फ एक ही जगह पर सारी एजुकेशन करी जाने। सो इस मकसद ने आप कैनेडियन एजुकेशन लै रहे हैं, कैनेडियन एजुकेशन आप कल्ली ऑनलाइन एक डिप्लोमा करने लिए नहीं लै रहे। सो इस चीज़ में अगर तुम अच्छे तरीके उन्होंने मैसेज करोगे आई होप सो आने वाले दिनों से जरूर कैनेडा फोरफ्रंट दे आऊगा। गवर्नमेंट नूं सरकारां नूं टाइम भी लगता होंगे, कुछ चीज़ा सानू भी समझनिया पैणगियां। ईस्टर होलीडे आए, फिर ओंटारियो जो इस टाइम लॉकडाउन लग चुका है कैपिटल दे विच, ओटावा दे विच भी, ओंटारियो दे विच भी सारी जगह जिहड़े लॉकडाउनस ने टोरंटो चो लगे हुए ने। सो उहदे करके भी हो सकता है कि सरकार तक जिहड़ी चीज़ जानी फिर सरकार ने अपनी मीटिंग करनी फिर स्टूडेंट्स नूं एड्रैस करना वो शायद उन्हां चीज़ां का भी एक कारण है कि जिहड़ा हजे तक शायद वो स्टूडेंट नूं एड्रैस नहीं कर सके। सो मैनूं तां हजे उम्मीद पूरी है कि इस मंथ के अंदर अंदर डेफिनेटली वीजा आएंगे और सरकार कितने ना कितने इस इशू नूं एड्रैस करूगी। प्लस जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी मैं कहना कि एक स्ट्रोंग चीज़ है, एक जो प्रैशर बनाना हो तो वो एक्टिविटी बहुत हैल्पदायक होंगी है। बट जो प्रोटेस्ट है आप बहुत जिंदगी ध्यान रखना चाहिए कि कई प्रोटेस्ट इदा के होंगे ने जो कई बार प्रोटेस्ट करने वाले अगेंस्ट चले जाते हैं। सो प्रोटेस्ट में पीसफुल ऑर्गनाइज और एक अच्छे पढ़े लिखे तरीके ही करना जोड़ा है वह जायज़ रहेगा। सो दोस्तों अमरजीत जी, सो दोस्तों अमरजीत जी की जिहड़ी गल है उहदे तों इह क्लीयर हुंदा है कि किते ना किते तुसीं जिहड़ी सिचुएशन दे विच फसे होए हो उहदे विच कैनेडा वल्लों जिहड़ा एटीट्यूड एक्सपैक्ट करदे हैं, क्योंकि उहनां दा जिहड़ा एक मोटो है कि वह बहुत केयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स वास्ते अपने सिटीजन वास्ते, उस थोड़ी जी कमी अमरजीत जी ने भी वेखी आ। इस करके कितना ना कितना इन्हों लगता है कि एक डेमोक्रेटिक एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट की जरूरत सामने आई है। थोड़ा कुछ गाइडलाइनस इन्होंने अपने वालों दिखाई है, क्योंकि इन का वास्ता स्टूडेंट्स नाल भी पैंदा है ते अंबैसी नाल भी पैंदा, तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट्स अजिहे होणगे जिहड़े थोड़े प्रोटेस्ट दे विच काम आउणगे। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगे भी असी स्टूडेंट्स नाल जुड़े हुए मसले एक्सपर्ट्स तक लैके आउंदे रहांगे ते कोशिश करांगे कि हर वीडियो च कोई ना कोई हल जरूर निकले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं
वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स. नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com. नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल. एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.